तरफ से क्या आपने अरे क्या बात कर रहे हो भाई, आपने अपनी तरफ से क्या रणनीतियां रखी है? अचानक मेरे एडवोकेट है सौरभी साहब और फाल्गुनी, इधर देख के रखी, वो लोग चाहेंगे मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, रेप केस आ गया है मैसूर से, क्या किया यार, एक तरफ रेप केस है तरफ प्रेगनेंसी की खबर है। राखी जी, सुनने में आया कि और भी शादियां उन्होंने की है मैसूर में, ऐसा कुछ पता चला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ बातें हैं आप मीडिया के माध्यम से रख सकती हैं जिससे कि जनता तक आपकी बातें पहुंचे। अगर सचमुच बैंगलोर मैसूर में आदिल ने किसी लड़की से शादी की है, क्योंकि मेरे पास इसके एक मिनट, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं बैंगलोर मैसूर से, वो जिनसे शादी करी है अगर वो सामने आए या मुझे कांटेक्ट करके मिले किससे शादी करी है, बस। और रेप केस, दिस इज शॉकिंग मेरे लिए, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वो लड़की ने मुझे कल फ़ोन करके कहा आपसे शादीशुदा में था, उसको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, उससे प्यार का वादा किया, प्यार का वादा किया और शादी का वादा किया उस लड़की से, और ये सब करता रहा। उसको मालूम है कौन सी होटल में गए थे, उसके घर में गए थे, लड़की खुद कह रही है, उसके भी वीडियो वायरल हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है आदिल को बहुत ही सबक मिलना चाहिए ऊपर वाले की तरह, और नीचे वाले जो जज बैठे हैं उनको उन पे, मुझे नहीं लगता है कि उनको उन पे रहम करना चाहिए कहीं से भी, जज साहब को या किसी को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है, बहुत लड़कियों की, आदमियों की भी जिंदगियां बर्बाद की है उन्होंने, आदमियों की भी जिंदगियां बर्बाद की है। मुझे तो वो जो वीडियो आप लोगों ने कुछ देखा है वो भी मुझे आया है बाइसेक्सुअल का, दिस इज शॉकिंग। सुनने में आया कि वो पॉलिटिशियन से रिलेट कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या इनके रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन से भी हैं क्या, उस तरह से कोई ऐसा कुछ दबाव आपकी तरफ से आ रहा है, उनकी तरफ से आ रहा है? मुझे धमकी आ रही है बहुत पॉलिटिशियनों की, वो कहाँ की पॉलिटिशियन है पता नहीं है, शायद उनके माँ बाप धमकी दिलवा रहे हैं मुझे। मैंने उनको कल पिता को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया कि मुझे बात करनी है, इतना आपके बेटे ने इतने गुनाह किए हैं लड़कियों के साथ, आपकी जगह मेरी, आपकी बेटी होती मेरी, मतलब मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप अपनी बेटी को न्याय नहीं दिलाए थे? उनके माँ बाप उनको अभी तीसरी चौथी शादी ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं, उनके ख़ानदान में कौन सी लड़की है जो आदिल का हाथ पकड़ी, और कौन सी लड़की इस दुनिया की है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे से डिवोर्स लिए बगैर लड़की शादी करेगी? सलमान भाई का कोई रिएक्शन आया अभी तक? सलमान भाई को अपना एंजॉय करने दे, उनको बीच में न डाले, उनका मैटर मेरे मैटर से कोई लेना देना नहीं है, उनके उनको क्यों डाल रहे हैं आप लोग बीच में, उनका काम है, सलमान भाई हर वक्त तो नहीं आएंगे ना, मुझे मेरा बैटल है, मुझे लड़ना है। आज के वीडियो में आपको राखी सावंत के हस्बैंड आदिल खान के लिए एक सैड न्यूज़ बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राखी सावंत और आदिल खान दुरानी इस समय खूब चर्चा में हैं। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चा भी है। लेकिन बात करते हैं अब आदिल खान दुरानी के ऊपर आई एक और मुसीबत की। आप सब ये तो जानते हैं कि आदिल खान इस समय पुलिस कस्टडी में है और उन पर राखी ने एक FIR फाइल की थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इस समय पुलिस कस्टडी में है। लेकिन अब आदिल खान पर एक और FIR फाइल हो गई है और ये FIR मसूरी में फाइल की गई है।
आदिल खान दुरानी के एक एक्स गर्लफ्रेंड ने यह FIR फाइल की है और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस FIR के मुताबिक आदिल पर रेप अटेम्प्ट के भी चार्जेस लगाए गए हैं। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड जो एक ईरानियन वुमन है, उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने आदिल के खिलाफ FIR फाइल की है और इस FIR में उन्होंने आदिल पर रेप अटेम्प्ट का भी अक्यूज लगाया है। इस FIR में इसके साथ और भी बहुत सारे चार्जेस हैं और आदिल खान दुरानी की एक्स गर्लफ्रेंड ने बात करते हुए और भी कुछ बताया है। उनका कहना है कि वो 2018 में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ने के लिए इंडिया आई थी। वो मैसूरी में थी जहाँ पर आदिल अपना बिजनेस करते थे और आदिल और उनकी फ्रेंडशिप हो गई और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उनका कहना है कि आदिल ने उनकी कुछ बोल्ड पिक्चर्स अपने पास रखी हुई थी और वो उन्हें ब्लैकमेल भी करते रहते थे कि अगर वो उनकी कोई बात ना मानती थी तो वो ब्लैकमेल करते थे कि उनकी ये पिक्चर्स वो उनके पेरेंट्स को भेज देंगे जो ईरान में रहते हैं। उनका कहना है कि काफ़ी समय वो इस सब को बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन फिर काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद आदिल ने वो पिक्चर्स डिलीट कर दी थी और वो पिक्चर लास्ट ईयर ही डिलीट की गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ समय पहले तक भी आदिल के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन आदिल हमेशा शादी को रिफ्यूज़ कर देते थे और वो शादी नहीं करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने आदिल पर रेप अटेम्प्ट का भी एक्यूजेशन लगाया है और भी बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो आदिल के खिलाफ जाती हैं। उन्होंने आदिल के बारे में बताया कि आदिल ने उनको और भी बहुत सारा से चीट किया है, फ्रॉड किया है और वो अब ये आदिल के खिलाफ FIR भी करवा चुकी हैं। अब देखना यह है कि आदिल के खिलाफ और इस तरह से कितनी बातें सामने आती हैं। राखी सावंत पहले भी बता चुकी हैं कि आदिल की और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और आदिल ने सबके साथ ही इस तरह का बिहेवियर रखा है, तो अब देखते हैं कि आदिल के साथ क्या होता है और राखी सावंत इस सब को किस तरह से डिफेंड करती हैं या इस सब पर किस तरह से बात करती हैं। आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।